हेलो एवरीवन, मैं हूं शैलेश पुरोहित और स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, पुरानी तस्वीरों की बहुत अहमियत होती है, बहुत कीमती होती है हमारे लिए। जैसे कि हमारे फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के ज़माने की तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हमारे लिए बहुत कीमती होती है, क्योंकि बहुत पुरानी यादें उसमें संजो के रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसी तस्वीरें अगर आपके पास है तो बहुत पुरानी हो जाती है, ब्लैक एंड वाइट भी होती है। पुरानी होने की वजह से उसमें कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, दरारें आ जाती है, क्रैकेज पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी तस्वीरों को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए, और ऐसी तस्वीरों को हम रिस्टोर करके फिर से कैसे उसे नया रंग रूप देके एक पुरानी यादें नई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुरानी आपके पास अगर तस्वीरें हैं बहुत पुराने जमाने की, तो दोस्तों उस तस्वीरों को आप कैसे कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए उसको एडिट करके, उसको रिस्टोर करके उसको कलरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेंगे फोटो एडिटर। दोस्तों, आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर पे जाके फोटोपी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको एक गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फोटो इमेज हम ओपन कर लेंगे कंप्यूटर में से और यहाँ पे प्लेस करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे इस इमेज बहुत पुरानी है ये, और इसमें कितनी सारे क्रैक है, बहुत ही ज्यादा क्रैक इमेज में दिख रहे हैं। आप लाइन देख रहे हैं सब क्रैक की, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, उसकी वजह से इमेज पूरा खराब हो गया है, काफी पुराना और ब्लैक एंड वाइट भी है। तो दोस्तों, इसको रिपेयर करने के लिए हमको यहाँ से लेना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ये ब्रश मिलेगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, वो हमको पिक कर लेना है। यहाँ ऊपर से आप उसका साइज प्लस माइनस कर लेना और इसका हार्डनेस 50 या 50-40 के आसपास अराउंड आप रखें। इतना एडजस्ट करने के बाद हमें ये जो लाइन है, जो क्रैक है, उसको रिमूव करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। दोस्तों, एक बार ध्यान में रखिएगा कि उसका साइज बहुत मैटर करता है यहाँ पे ब्रश का। जितना भी साइज लाइन का है उससे थोड़ा बड़ा ब्रश का साइज करके आप उसे लाइन के ऊपर ड्रैग करें तो वो मैजिकली, आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा रिमूव कर देता है वो उसको। तो बहुत ही बढ़िया ये टूल है, बहुत ही यूजफुल है। इस तरीके से हमको इस इमेज की सारी ऐसे क्रैक है, लाइन है, वो सब हमको इस टूल से सबसे पहले रिमूव कर लेनी है। दूसरा एक बात ध्यान रखें कि जहां पे कलर का शेड चेंज होता है तो एक ही कलर में आपको अप्लाई करना है। कलर का शेड जहां पे चेंज हो जाता है वहां हमको स्टॉप कर देना। यहां से ऊपर आप ड्रैग करेंगे और कलर का शेड यहां पे चेंज होता है तो यहां हम स्टॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको पूरी इमेज में जितने भी क्रैक के लाइन दिखते हैं ऐसे वैसे रिमूव करते जाना है, और साइज लाइन के हिसाब से आप उसका प्लस माइनस करके करते रहिएगा। 15-20 मिनट लगेगा, इतना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहां से मैं फटाफट खत्म कर देता हूं फॉरवर्ड करके। दोस्तों, यहाँ पे इस इमेज में आप देखेंगे कि पेपर का एक टुकड़ा यहाँ से कॉर्नर फट गया है इमेज का, पुरानी इमेज में अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ इसके लिए हमको यहाँ पे क्लोन टूल ले लेना है। क्लोन टूल सिलेक्ट करने के बाद उसका साइज एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्लोन टूल क्या करता है कि जहां से हम इमेज का टेक्स्चर या कलर कॉपी करते हैं तो वही क्लोन करके उस जगह पे हमें फिल करके दे देता है। तो यहां से
कॉपी कर लेंगे, उसका साइज एडजस्ट कर लीजिए आपको कितना चाहिए, फिर हम ऐसे उसको ड्रैग करेंगे तो वो जो टेक्सचर हमने साइड में से हमने क्लोन किया है वही क्लोन इस ब्लैंक जगह पे भर देगा। उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम क्लोन टूल की मदद से और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। ऐसा इमेज में कोई पार्ट नहीं है, फट गया है, तो इसको हम इस टूल की मदद से फिल कर सकते हैं। इमेज में कहीं भी हमको दिखता है कि ब्लर हो गया है, ज्यादा टेक्सचर नहीं दिख रहा है हमारा इमेज का, क्लोन टूल की मदद से हम उस टेक्सचर को साइड में टेक्सचर जो भी होता है उसको कॉपी करके वहां पे हम फिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ क्लोन टूल की साइज एडजस्टमेंट कर लेनी है, उसका हार्डनेस बहुत कम रखिएगा, हार्डनेस बहुत ज्यादा मत रखिएगा। तो इस तरह से इमेज में कहीं पे भी हम स्पॉटलिंग ब्रश टूल की वजह से ज्यादा ब्लर हो जाता है, तो ऐसे ऐसे पार्ट में हमको क्लोन टूल की मदद से आसपास के जो भी टेक्सचर होते हैं, कलर होते हैं, उसको क्लोन करके हम उस जगह पे भर देंगे। दूसरा हमें ये देखना है कि इस इमेज में आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आएंगे इमेज में, ब्लैक डॉट्स छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे फेस की स्किन पे आपको नजर आएंगे, तो उसको भी हमको रिमूव कर लेना है ताकि स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाए। हम उसके लिए ब्लर टूल का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से धीरे धीरे पूरे फेस की स्किन पे ब्लर टूल अप्लाई कर दीजिए ताकि वो छोटे छोटे डार्क जैसे डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के वो सब रिमूव हो जाए और स्किन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ी स्मूथ हो जाए, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे करके आप पूरी फेस की और जो भी बॉडी के जो पार्ट्स है स्किन के, तो उसके ऊपर हमें ब्लर टूल अप्लाई कर देना है जिसकी वजह से वो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हो वो रिमूव हो जाए और स्किन स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। तो फाइनली अभी हमारा इमेज रिस्टोर हो गया है, जो भी क्रैचेस उसमें थी वो सब रिमूव कर दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंट पहले इमेज कैसा था और हमने सब टूल का इस्तेमाल करके उसको रिस्टोर करके सब क्रैक लाइनें जो भी थी हटा दिया। अभी दोस्तों आता है वीडियो का मेन पार्ट, उस पर कलर कैसे अप्लाई करें। तो कलर अप्लाई करने के लिए हमको पर्टिकुलरली अलग अलग पार्ट उसके सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हमको प्रोटोपी में फोटोशॉप जैसे ही सिलेक्शन टूल मिलते हैं दोस्तों, मगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए हमें यूज करना है पेन टूल। तो यहां से आप पेन टूल सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी फिल स्ट्रोक वगैरह, तो उसमें हमको ऑफ ही रखना है। हमको एक ओनली सिलेक्शन के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है, फिल टाइप सब ऑफ रखना है हमें, और उसके बाद पेन टूल जहां पे आप एक कर्सर एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे लाइन का और एंड पे उसको फिर से क्लिक करके छोड़े बिना ही उसको ड्रैग करेंगे तो ऐसा एक हैंडल आपको वहां पे मिल जाएगा। तो याद रखिए फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करने के बाद हमें ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद आपको ऐसा हैंडल मिलेगा। उस हैंडल से हैंडल को मूव करके आप लाइन को जितना भी कर्व जहां से भी कर्व देना चाहते हैं तो वहां से कर्व दे सकते हैं। उसके बाद उसको पॉइंट को ब्रेक कीजिए, अगली लाइन ड्रॉ कीजिए, हैंडल से ड्रैग करके लाइन को कर्व कीजिए, फिर ब्रेक कीजिए, फिर दूसरा पॉइंट तय कीजिए, तय करने के बाद क्लिक करें, वहां एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन को हमको हैंडल की मदद से कर्व करना है। दोस्तों इसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि पेन टूल थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो नए है फोटोपी में या फोटोशॉप के लिए। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मगर थोड़ा आपको इस पेन टूल से ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत यूजफुल है और इसकी मदद से हम इतना हेयर का जो मेन पार्ट है दोनों फेस का वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में उस पर कलर अप्लाई करेंगे। तो पहले हमको पेन टूल की मदद से पूरा पार्ट ड्रॉ कर लेना है।
अभी हमने ड्रॉ कर लिया है पेन टूल की मदद से, पूरा लाइन बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि पेन टूल ही सिलेक्ट रहना चाहिए और जाके हमको लाइन पे जाके राइट क्लिक करना है और नीचे हमको ऑप्शन मिलेगा मेक सिलेक्शन, यस उसको क्लिक कर देना है मेक सिलेक्शन। यहां से आप जो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं जो डॉट उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। ओके तो अब हो गया है हमारा सिलेक्शन। तो हमने जो पेन टूल से लाइन ड्रॉ किया था उसको हमने सिलेक्शन पार्ट में, सिलेक्टेड पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके से। दोस्तों अभी सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इमेज में, इमेज फर्स्ट ऑप्शन है इमेज एडजस्टमेंट, और उसमें हमें जाना है ह्यू एंड सैचुरेशन में। तो ये एक टूल बॉक्स आपको मिलेगा, यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ह्यू है पहले, पहला पार्ट उसका फर्स्ट कंट्रोल है ह्यू, दूसरा कंट्रोल सैचुरेशन का है और तीसरा कंट्रोल लाइटनेस का है। तो पहले में आप उसको ड्रैग करके कलर आपको कौन सा करना है वो कलर आप चूज कर लीजिए, उसको ड्रैग करते रहिए, जो भी कलर आपको बेटर लगे कि हाँ ये कलर हमारे इस पार्ट के लिए परफेक्ट है तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उस कलर का सैचुरेशन हमको कितना रखना है, प्लस माइनस सैचुरेशन कर लीजिए। उसके बाद उसको लाइट रखना है या डार्क रखना है वो उस हिसाब से आप कंट्रोल कर दें। मुझे ये परफेक्ट लग रहा है हेयर के लिए तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद हमको वो सिलेक्शन जो हमने पार्ट किया है उसको डीसिलेक्ट कर देना है। यहाँ ऊपर सिलेक्ट में जाइए, डीसिलेक्ट कर दीजिए, वो पार्ट हमारा डीसिलेक्ट हो गया। अभी ये जो लाइन दिख रही है आपको, हमने जितना पार्ट सिलेक्ट किया था उतना थोड़ा डार्क हो गया है, लाइन सही नहीं दिख रही है, तो हमें इसे रिमूव करने के लिए क्या करना है कि फिर से हमको ब्लर टूल का इस्तेमाल करना है। तो ये लाइन जो बॉर्डर दिख रही है आपको दो पार्ट के बीच में, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ब्लर टूल ले लेना है और वो लाइन को हमें ब्लर कर देना है। तो ब्लर करने से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट दिखता है दो पार्ट के बीच में वो कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा और हेयर का पार्ट और स्किन का पार्ट एक दूसरे के साथ थोड़े से मर्ज हो जाएंगे तो वो कॉन्ट्रास्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो सेम मेथड अप्लाई करना है हमें हेयर में, जो भी किया था पहले उस पार्ट को पेन टूल से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उस पार्ट को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उस पर हम इमेज एडजस्टमेंट में जाकर ह्यू एंड सैचुरेशन से उसको कलर देंगे। फेस में भी हम ऐसा ही कर लेते हैं। आप ड्रैग करते रहिए ह्यू को, जो भी कलर आपको प्रीफर लगे कि हाँ ये कलर हमारी इमेज के पार्ट के लिए परफेक्ट है, सूट होता है, उससे मैच होता है, तो वो कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उसका सैचुरेशन आपको प्लस माइनस जितना भी रखना है इमेज के हिसाब से वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। डीसिलेक्ट कर लेंगे इसको। सेम इसी तरह हम दूसरे फेस को भी ऐसे पेन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद उसे भी सेम सिलेक्शन में कन्वर्ट करके कलर दे देंगे वहां पे। तो एक बात आप ध्यान रखना कि किसी भी इमेज की कलर की वैल्यू सेम यहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो जिस हिसाब से इमेज का जो टोन है, जो कलर टोन है, उसका जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, तो उस हिसाब से आपको इमेज का कलर अपने आप ही जो आपको लगे बेटर कि सबसे अच्छा मैच हो रहा है इमेज के साथ
वो आपको रख लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू हर एक इमेज के लिए सही नहीं होती। हर इमेज के लिए हर एक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। अभी आइज जो है उसका थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। दोस्तों आइज में देखेंगे आप तो जो हमने स्किन का कलर चेंज किया था तो आइज का भी कलर टोन येलोइश स्किन टाइप जैसा हो गया है थोड़ा, तो उसको हमें रिमूव करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इरेजर टूल से ऊपर का जो फर्स्ट लेयर है हमारा, उस लेयर का उतना आइस का पार्ट हम इरेज कर देंगे, ताकि उसके पीछे जो सेकंड लेयर है ब्लैक एंड व्हाइट, वो आइस का पार्ट ऊपर आ जाए और ऊपर येलोइश जो स्किन का टोन वाला पार्ट है उतना हम इरेजर टूल से इरेज कर लेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि इतना मैंने इरेज कर दिया है, तो उसके पीछे का जो ब्लैक एंड व्हाइट लेयर है वो यहां पे फ्रंट में दिखेगा। दोनों फेस की आईज को हमें ऐसे इरेज कर लेना है, आईज और आईब्रोज। दोनों का इतना पार्ट हमें इरेज कर देना है ऐसे, ताकि वो पीछे का ब्लैक एंड व्हाइट जो लेयर है वो हमें फ्रंट में दिखे। अब इमेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर हमें चेंज करना है, तो इसके लिए पहले बैकग्राउंड पेन टूल से हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से उसका कलर चेंज करेंगे। तो पहले बैकग्राउंड पूरा हम पेन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं। उतना सिलेक्ट करने के बाद उसको हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके कलर आपके बैकग्राउंड का आपके हिसाब से आप चूज कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, जो चाहे वो कलर आप रख सकते हैं बैकग्राउंड का। अभी हम क्लोज से उसको सिलेक्ट करके उसका भी कलर चेंज कर लेंगे। सेम मेथड यहां पे अप्लाई करनी है हमको हर एक पार्ट। पहले पेन टूल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उसका कलर चेंज करेंगे। तो यहां पे भी मुझे जो प्रिफर लगेगा, जो अच्छा लगेगा वो कलर में इसके लिए कर सकता हूं। आप यहां पर देख सकते हो बहुत इजीली आप किसी भी पार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका सैचुरेशन चेंज करते हैं और उसका लाइटनेस वो भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे दो टूल यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है, एक डॉज टूल है और दूसरा बर्न टूल है। डॉज टूल क्या करता है कि हम जिस भी पार्ट में वो टूल अप्लाई करते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, थोड़ा एक्सपोज कर देता है उसको, और बर्न टूल जो है वो उस पार्ट को बर्न कर देता है, जैसे डार्क कर देता है। तो यहाँ पे हमको ये जो व्हाइट डिजाइन दिख रही है आपको, उसको हमें थोड़ा लाइट करना है, एक्सपोज करना है, तो उसके ऊपर हम डॉज टूल का
यूज करेंगे। तो इससे आप देख रहे हो कि जो येलोइश लाइन थी, थोड़ा सा येलोइश टोन था इस व्हाइट कलर का, तो हमको वहां पे पर्टिकुलर व्हाइट कलर अप्लाई नहीं करना है। डोज टूल से उसको ब्राइट कर देते हैं, उसको एक्सपोज कर देते हैं थोड़ा सा। तो इमेज में जो भी पार्ट आपको डार्क करना है तो उसके लिए आप बर्न टूल यूज कर सकते हैं, और उसको ब्राइट करना है, एक्सपोज करना है तो इसके लिए हम डोज टूल का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम क्लोथ्स को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लोथ्स को भी ऐसे पेन टूल से सिलेक्ट करने के बाद उसका भी कलर हम चेंज कर लेंगे। तो इतना होने के बाद हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेंगे लिप्स के, दोनों फेस के। उसके लिए हमें ब्रश टूल यूज करना है। ब्रश टूल रेड कलर, और ऊपर आपको जो ब्लेंड मोड दिख रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देना है। ओपेसिटी और फ्लो दोनों भी थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है। तो इमेज में छोटी छोटी ऐसे डिटेल्स होती है, वो आपको इमेज के अकॉर्डिंग डिटेलिंग कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे इमेज के मेनू में जाके ह्यू, सैचुरेशन, उसका एक्सपोजर है वो सब लेवल यहाँ से एडजस्ट मैन्युअली कर सकते हैं। तो वो भी इमेज रेडी होने के बाद आपको थोड़ा सा कलर, उसका सैचुरेशन, वो सब डिटेल आपको थोड़ा मैन्युअली कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक फोटो फ्रेम ले आते हैं। तो दोस्तों फाइनली रेडी है हमारी इमेज। तो आपके पास भी ऐसी इमेज है तो बिल्कुल आप इस तरीके से उसको रिस्टोर करके उसको कलरफुल बना के अपने घर में आप सजा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज 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 एक दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और भी कई वीडियो मैं ऐसे लाता रहूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज अगर मेरे लिए कोई सजेशन है आपका तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।